बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो आज की अनाउंसमेंट ये है कि पिछले दिनों इलेक्शन कैंसिल हो गए थे, जैसे आप सबको पता ही है मीडिया बंधुओं को। उसके बाद हमारा एक आम जलास हुआ जिसमें पब्लिक मीट जिसको बोलते हैं, सभी स्वर्णकार वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए, 300-400 लोग की तादाद थी। तो वहाँ पे ये फैसला लिया गया कि समाज के भले के लिए अजय वर्मा जी को आगे आना चाहिए मेरे को। तो हम लोग ये सारी टीम मिलके, हमने एक टीम अनाउंस की है आज, जिसमें हमारी टीम में प्रेसिडेंट अजय वर्मा, मैसेल्फ, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अंकुश मिचल जी हैं, और ट्रेजर है मिस्टर पवन आनंद जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुणाल कपूर जी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अपने साजन बब्बर जी, वाइस प्रेसिडेंट है सुनील बल्ला जी, पवन चौहान जी, विनोद वर्मा, राकेश अबरोल, संदीप कपूर, सचिन वर्मा, मनीष जी, और मीडिया सेक्रेटरी हैं संदीप जैन जी, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं राजकुमार निश्चल जी, और जॉइंट सेक्रेटरी में हितेश आनंद जी, सुनील वर्मा जी, मुकेश कोहली, राकेश कपूर, गौरव लुथरा, सोनू वर्मा, अरुण तोतला, हेमंत सूरी, राजकुमार जैन जी और राजेश अबरोल जी और सन्नी बल्ला जी। तो ये हमारी टीम तय हुई, आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छा काम करने का वादा देते हैं स्वर्णकार संघ के लिए। तो अभी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, जो पहले पिछले टाइम से हमारे परंपरा चली आई है कि हम लोग आम जलास में प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। पिछले दिनों इलेक्शन हुए, कुछ धांधली हुई, इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए थे। कैंसिल होने के बाद हमारा आम जलास आया जिसमें सारा पब्लिक मीट जिसको बोलते हैं, जिसमें 300-400 लोग आए थे, उन्होंने सहसम्मति से हमें प्रधान चुना गया है, उसके सबके साइन रजिस्टर में हुए हैं। जी सर, तो जैसे कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी प्रधान घोषित कर दिया गया है, तो उन्होंने ही, जैसे कि आपने पिछली बार यहीं पे प्रेस वार्ता करते हुए एक नोटिस जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कहा था जो ये इलेक्शन पहले हुए थे ये कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, मगर आपकी तरफ से भी प्रधान घोषित किया गया और उनकी तरफ से भी प्रधान घोषित, जनता जो है वो किसको प्रधान? मैं उसी का क्लैरिफिकेशन देता हूँ आपको। जब इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे कि उन लोगों ने हमें कहा था कि आने वाले 25 या 26 तारीख को हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे, और उन्होंने 24 तारीख को विदाउट परमिशन उन्होंने अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप लोग भी गए थे, उन्होंने अपनी टीम घोषित की। हालांकि इलेक्शन कैंसिल होने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ और टीम अनाउंस नहीं कर सकते हैं वो। तो उसके बाद हमने एक आम जलास बुलाया, पब्लिक मीट बुलाई जिसमें 300-400 लोग थे, उन सब ने इनको बायकॉट किया और उसके बाद सर्वसम्मति से हमें प्रधान घोषित किया गया। जी सर, एक ही प्रेसिडेंट है सर, जब कल इलेक्शन ही नहीं हुए हैं तो वो प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? आम जलास पे हमें चुना गया है और उसकी बुक और साइन हम आपको दे सकते हैं। उस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, मौके पर कार्रवाई थी, क्या परपसों कार्रवाई स्टेप्स पुलिस ने उठाए? किस बारे में सर? प्रोटेस्ट हुआ था। जी सर, वो इलेक्शन में धांधली हुई थी, उसी के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट हुआ था, पुलिस का कोऑपरेट था हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कहा गया था कि डीसी ऑफिस में भी जाके आप मिले थे दोनों पार्टी। जी हाँ, तो वैसे ही वहाँ पर उनका जो दूसरे पक्ष का जो कहना है कि वहाँ पर हमें ये क्लियर कर दिया गया नहीं, कि नहीं, आप इलेक्टेड है, आपको जिताया गया, आपको डीसी मैम, एडीसी मैम से हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें आशुतोष जी, मैं और टीम के काफी मेंबर्स थे, और वहाँ पे एडीसी मैम ने कहा था कि आप लोग 4-5 दिन का टाइम लेके इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके साथ है। इतना ही डीसी मैम ने कहा था कि आप एक बार इसको आम जलास बुला के, अपनी पब्लिक मीट बुला के इसको सॉल्व कर दो। तो पब्लिक मीट में 300-400 बंदा हमारे साथ था जिन्होंने हमें वहाँ पे साइन करके अथॉरिटी दी। जी, देखिए, मैं पहली बात तो ये है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के कारण हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, हम उनको अपनी टीम में हम पूरा उनका स्वागत करेंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। जब इलेक्शन ही नहीं हुए, इलेक्शन रद्द हो गए, तो वो मान्य कैसे हो सकते हैं सर? वो मान्य नहीं है। क्या उनसे कोई बातचीत हुई? क्या जिस तरीके से आपने पहले कहा था कि एक नई डेट अनाउंस होने वाली थी, लेकिन आपने भी एक मीटिंग रखी और सब सेमटी से जो आपको प्रधान बनाया गया, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता था उस समय? सर, वही बीच के रास्ते के लिए इन्होंने हमसे 4 दिन लिए थे, 23 तारीख को, और उसके बाद इन्होंने 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमारे से मीटिंग जो करनी थी वो उन्होंने नहीं की, और बंद कमरे में इन्होंने 10-12 लोगों ने टीम अनाउंस कर दी जो कि मान्य नहीं है। हमारी जो भी वार्तालाप हुई है वो पब्लिक मीट में हुई है, उसका आपने वीडियो देखा भी होगा और मीडिया के बंधुओं ने उसको कैप्चर भी किया है। आप देखिए उसमें कितनी तादाद है,
300 से 400 लोगों की तादाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया है और मीडिया बंधुओं ने उसको कैप्चर भी किया है, तो प्लीज आप एक बार उसको फाइंड आउट कर लीजिए, नहीं तो मैं वीडियो ले दूँ। श्वेता सर की बात करें, बड़े पैमाने पर इलेक्शन हर बार होते हैं, लेकिन अब रही बात बाजार की, और आपको लगता है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि बाजार दो भागों में बटा हुआ है, क्योंकि एक जगह पर दो प्रधान? नहीं सर, मैं वही क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि दो प्रधान तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कैंसिल हो चुके हैं तो वो प्रधान कैसे माने हैं। दूसरा, पब्लिक मीट में हमें प्रधान चुना गया, 300 से 400 लोगों की गैदरिंग थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो अभी वो मान्य नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से उनके लिए ऑलवेज वेलकम है, वो आए हमारे साथ, हमारी तरफ से बातचीत का पूरे रास्ते खुले हैं। और जम्मू सिटी की जो चार विंग्स है, जिसमें नगरोटा यूनिट आती है, उसमें जानीपुर यूनिट आती है, तालाब तिलो यूनिट आती है और गांधीनगर यूनिट आती है, इन सब यूनिट के साथ हमारा वार्तालाप हुआ है और ये सारी यूनिट हमारे साथ चल रही है, और इस यूनिट का भी बहुत बहुत शुक्रिया।